टाइम चलता है। हाँ भाई शाम के 5 बज गए भाई, परछाई के हिसाब से टाइम चल रहा है। तो गाइस ये है तिब्बत फूड मार्केट, ये घर एक्स पेट्रोल लगाएंगे हम, भागेंगे फिर से रेस लगाएंगे। ठीक है आ जाओ भाई, 1 2 3 ये चर्च जो कि बहुत ही पुरानी चर्च है, जब अंग्रेज यहाँ पे रहते थे, अंग्रेज शासन काल था उस समय अंग्रेजों ने यहाँ पे चर्च बनाई थी। तो अभी चलते हैं अंदर, ये देखिए ये है चर्च क्राइस्ट कसौली, और जो ये बनाई गई थी 1844 में इसको चर्च को बनाया गया था, इसका एस्टैब्लिश हुई चर्च। तो चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं कि चर्च कैसी है ये। अजी गाइस क्या बात है। तो गाइस यहाँ पे प्री वेडिंग शूट वगैरह काफ़ी होते हैं, जब भी यहाँ पे आओ तो आपको ना कोई प्री वेडिंग शूट चल ही रहा होता है यहाँ पर। तो ये है चर्च गाइस, बहुत ही अच्छी लग रही है। और मेरे क्या है ना, मैंने अमृतपाल जी कंफ्यूज हो रहे हैं कौन सा शॉट लिया जाए कौन सा नहीं तो हम पहुँच चुके हैं गाइस अभी चर्च के अंदर, और ये है चर्च, कुछ काफ़ी अच्छी लग रही है अंदर से देख सकते हो आप, और काफ़ी यहाँ पे क्राउड है, लोग काफ़ी देख सकते हो, इसीलिए हमने मास्क डाला हुआ था। देवदार के पेड़ भी हैं, आपको तो कसौली में देवदार के पेड़ मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे, देख लो पूरे हम इस रास्ते में आए, देवदार के पेड़ हमें कहीं दिखे। और यहाँ पे बता रहा है यहाँ पे प्री वेडिंग शॉट्स वगैरह काफ़ी शूट होते हैं, अभी भी यहाँ पे शूटिंग चल रही है प्री वेडिंग शॉट की। तो ये देखिए शूट कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे सॉन्ग्स वगैरह काफ़ी शूट करते हैं लोग जब भी आते हैं। और अभी काफ़ी रश है अंदर, तो ये है चर्च। तो वैसे चंडीगढ़ से जब भी आप चंडीगढ़ विजिट करते हैं तो चंडीगढ़ के नियर बाई प्लेस कसौली है, कसौली चंडीगढ़ से 30-35 के आसपास है, तो आप यहाँ भी विजिट कर सकते हो। और ये भी काफ़ी टूरिस्ट का अट्रैक्शन प्लेस है, काफ़ी लोग यहाँ विजिट करते हैं। ये भी आप चंडीगढ़ के पास ही नियर बाई प्लेस है, एक मोरनी है, मोरनी भी काफ़ी अच्छी जगह है, कसौली है और अपना दक्षाई है, ये 4-5 प्लेसेस आप एक्सप्लोर कर सकते हो। मेरी ये सारी वीडियोज़ गाइस आ चुकी हैं, दक्षाई की भी आ सकी है, और दक्षाई का अपना जो ग्रेविया यार्ड है इसकी भी ऊपर वीडियो बना दी हुई है हमने, अगर आपने नहीं देखी एक बार जरूर चेकआउट करिएगा। और ये है अपना अमृतपाल, तो अमृतपाल कैसा लग रहा है चर्च में आके? मस्त लग रहा है, ऑसम। तो जैसे कि आपको बता दें यहाँ पे शॉन्ग वगैरह काफ़ी शूट होते हैं अमृतपाल, प्री वेडिंग होती है ज़्यादातर, प्री वेडिंग मेरे भाई भी, पोस्ट वेडिंग मेरा भाई भी कई बार शूट करता है ना, प्री वेडिंग पोस्ट वेडिंग सभी करता है शूट यहाँ पर। तो अभी चलते चर्च के अंदर जाना, चलो चर्च के अंदर चलते हैं। ये है चर्च, तो ये अंग्रेजों के टाइम की बनाई हुई चर्च है ये। तो वैसे ये घड़ी है यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे टाइम चलता है, हाँ भाई शाम के 5 बज गए भाई, परछाई के हिसाब से टाइम चल रहा है ये देखो शाम के 5 बज रहे थे, परछाई 10 भी हो गए पूरे, ये जो टाइम है सूरज की परछाई के हिसाब से चलता है ये देखिए यहाँ पर 5:10 हो गए बढ़िया नहीं है भाई, जिसने बनाया अपने दिमाग से बनाई चीज़ है कि नहीं। क्यों भाजी सॉन्ग शूट कर रहे हो आप? कौन सा सॉन्ग शूट कर रहे हो? प्री वेडिंग है कि वैसे ही है? सैड सॉन्ग। अच्छा अच्छा, कौन है ये मैडम, सिंगर है ये? मॉडल। अच्छा मॉडल है, सिंगर कौन है? सिंगर खाब है, खाब लड़का है। खाब कौन लड़का यार? पहले सॉन्ग आया है इसके, अच्छे खाब वो जिसने गाना गाया खाब अखिल। नहीं, तो गाइस एक सॉन्ग शूट हो रहा है, जैसे कि भाई बता रहे हैं ये सॉन्ग शूट करने ही आए हुए हैं यहाँ पर, क्या बात है यार, बढ़िया बढ़िया। कौन लड़का है सिंगर साहब, वो खड़े जाके? अच्छा ये खड़े सिंगर जी, ले लेंगे कोई वीडियो पूछे भाई को जाके। तो गाइस एक घड़ी है जो ये सूरज की रोशनी के हिसाब से चलती है, इस समय पूरे 5:10 हो रहे हैं, अब होने वाले 1 मिनट रह गया, देख सही, ये जैसे जैसे घूमेगा ना यहाँ पे आ जाएगी परछाई, देख रहे हो गाइस। तो अभी 5:10 हो चुके हैं पूरे, इसमें नंबर लिखे हैं 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6 पूरा एक पूरी घड़ी है गाइस ये, तो ये सामने सूरज रोशनी पड़ती है उससे घड़ी चलती है ये। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी यार, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, यूनिक सी चीज़ है ना कि नहीं।
चर्च के अंदर भी कुछ शॉट अच्छे सिनेमैटिक से, आई होप आपको अच्छे लगेंगे। अभी यहाँ पे एक और दो तीन पॉइंट और, एक मंकी पॉइंट है यहाँ पे, और यहाँ पे सनसन पॉइंट भी है एक, और यहाँ की एक मार्केट भी काफी फेमस मार्केट है यहाँ पर। यार देखो यहाँ पर है तिब्बत फूड मार्केट, हाँ, और जाएंगे गिल्बर्ट ट्रेल, गिल्बर्ट ट्रेल, फिर है हेरिटेज मार्केट, हेरिटेज मार्केट है, फिर है सनसन पॉइंट, फिर हम मंकी पॉइंट, मंकी पॉइंट जाने वाले, मंकी पॉइंट अवॉइड कर रहे हैं। एक्चुअली मंकी पॉइंट में कहना गाइस वहाँ पे कैमरा तो अलाउड नहीं है, वहाँ पे आपको कुछ दिखा भी नहीं पाएगा अगर जाते भी हैं तो, क्योंकि वहाँ पे कैमरा बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे एयरफोर्स का स्टेशन है, तो वहाँ पे कैमरा तो सामान सारा रखवा लेंगे, कैमरे बाहर बैग वगैरह सब कुछ रखवा लेंगे, जमा कर लेंगे, फिर अंदर जा देते हैं मंकी पॉइंट। मैं गया हूँ मंकी पॉइंट बट वहाँ की वीडियो शूट करने देते हैं, उसके लिए परमिशन, उसके लिए परमिशन नहीं पड़ती स्पेशल तो देने पड़ते हैं ऊपर मंकी पॉइंट, तब भी देते ना नहीं देते सेंसिटिव एरिया को, बहुत ज़्यादा वहाँ पे आर्मी का काफ़ी बड़े बड़े ऑफिसर रहते हैं वहाँ पर। चलो ठीक है गाइस अभी चलते कहाँ जा रहे हैं, तिब्बत फूड मार्केट से, तिब्बत फूड मार्केट फिर गिल्बर्ट ट्रेल, गिल्बर्ट ट्रेल, चलो चलते हैं, मिलते हैं आपको फिर आगे। अभी हम आ गए हैं चर्च से बाहर, और ये सामने नया बस स्टैंड मिला है, जब लास्ट टाइम आया था तो बस स्टैंड काम लगा हुआ था, इस वाले इस बस स्टैंड काम लगा हुआ था, अभी बन के रेडी हो चुका है, आज से दो साल पहले उसका काम लगा हुआ था। तो गाइस ये है तिब्बत फूड मार्केट, जैसे कि यहाँ पे आपको सामान मिलता है काफ़ी सारा, तो अभी हम घूम रहे हैं गाइस, एक्सप्लोर कर रहे हैं आपके लिए तिब्बत अपनी कसौली की मार्केट। मैं जीतूंगा ये आजा अम्मी पापा को पीछे छोड़ दिया मैंने रेस में, भाई पहाड़ी बंदों से रेस लगाएगा वो, आजा देखा फिर ये घर एक पेट्रोल लगाएंगे हम, भागेंगे फिर से रेस लगाएंगे, ठीक है आ जाओ भाई, 1 2 3 ये मैं जीत गया, लो जी ओहो है जी है सनसन पॉइंट, आपके लिए इतना भाग के आए हूँ, ओहो सनसेट देख तू हुई पॉइंट वीडियो, ये भी अच्छा लग रहा है, पॉइंट आगे बड़ा पॉइंट है अपनी दूर, तो पहुंच गया गाइस सनसेट पॉइंट, हम भाग के आए लेकिन फिर से हार गया गुंडर लग रही पहाड़ी गुंडा भाई, हम पक्के पहाड़ी हैं, हमसे कहाँ लगाएगा तू रेस। गाइस अभी हम आ रहे हैं, शॉर्टकट ले लिया हमने एक, ये रास्ता कटता था, ये चेक पोस्ट आता है यहाँ पे ना, जो भी चेक पोस्ट आता है चेकपोस्ट से आपको अपना राइट साइड मुड़ना, छोटा रास्ता जा रहा है ये सनसेट पॉइंट के लिए और गिल्बर्ट ट्रेल के लिए, तो चलते हैं अभी, ये है कुछ ट्रैक ऐसा ट्रेल, जो ये ट्रेल है बिल्कुल सुनसान है लेकिन काफ़ी अच्छी है, और इस ट्रेल पे चलते हुए जो व्यू आ रहे हैं वो भी काफ़ी औसम आ रहे हैं, ये देखिए नीचे फॉग होगी, बिल्कुल फॉगी वेदर, और सनसेट नीचे है सनसेट इधर, वो देखिए और सनसेट हो रहा है अभी, ये देखिए। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं गिल्बर्ट ट्रेल और सनसन पॉइंट, और लवर पॉइंट भी है यहाँ पे, एक लवर पॉइंट तो मैंने सुना है कि है यहाँ पर, जब जो आके देखते हैं एक बार कैसा है, आया नहीं मैं भी कभी कल लवर पॉइंट, लेट्स सी क्या होता है। सनसेट होता हुआ और ऊपर देखिए बिल्कुल नीचे सनसेट हो रहा है ये, और नीचे फॉग कितनी होगी वो देख, फॉगी हो गया वेदर पूरा, तो गाइस देख सकते हो फॉगी हो गया वेदर, और अभी से आगे कौन सा पॉइंट है, लवर पॉइंट है, नहीं नहीं वो लवर पॉइंट देखते हैं, सुसाइड पॉइंट ऐसे आगे चलते हैं आगे, अभी सुसाइड पॉइंट घूमने में आई थॉक, आई थिंक गाइस आपको भी हमारे साथ इंजॉय करोगे, अगर इंजॉय करें तो डू आर लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और शेयर भी करें गाइस। कैफेटेरिया कैफे चाय वगैरह कॉफ़ी मैगी मिल जाएगा आपको रास्ते में चलते चलते, खाने पीने की भी कोई कमी नहीं होने वाली है आपको, अगर आते हो सनसेट पॉइंट के लिए, सुसाइड पॉइंट के लिए जाते हो आप। गाइस हम पहुँच चुके हैं अभी सनसेट पॉइंट, और काफ़ी क्लाउड है यहाँ पर देन, और ये देखिए क्या बात है।
गिरबिट ट्रेल, इधर है गिरबिट ट्रेल, ये जाते हैं, ये देखा इंडियन आर्मी ड्रिंकिंग आउटडोर प्रोहिबिटेड। सो ये आ गया गाइस गिरबिट ट्रेल, अगर आप कसौली आते हैं गिरबिट ट्रेल जरूर आइएगा। तो इसलिए ज़्यादा मोस्टली चीज़ें गाइस यहाँ भी अंग्रेज बहुत रहते हैं, तो मोस्टली जो नाम है चीज़ों के अंग्रेज़ों के नाम पर रखे गए। और अभी हम चढ़ रहे हैं ये ट्रेल, साढ़े पाँच हो गए, हाँ मुझे लगता है ज़रा कुछ। तो गाइस ये देखिए कहाँ पहुँच गए अभी हम, क्या व्यू है यहाँ से, ओ हो हो, ये तो पूरा सुसाइड पॉइंट लग रहा है यार, देख यहाँ पे खड़ा हो गए ये सुसाइड पॉइंट है, यहाँ से ही बंदा गिरेगा मरेगा जाके सीधा ही नीचे जाके गिरेगा उसकी गर्दन ना पेड़ों में घुस जाएगी। आ जा अधमरा हो जाएगा है। तो वैसे अभी हम पहुँच चुके हैं, अभी गिरबिट ट्रेल कितनी लंबी है तेरी भाई, ये खत्म होने को नहीं हो रही है। तू तो पहाड़ी था ना, मैं तो हुई पहाड़ी, पक्का पहाड़ी, चलता रहना फिर, चल रहे हैं भाई चल रहे हैं। यहाँ पर ऐसी जगह पे अकेला नहीं चलता कि कौन असली पहाड़ी है, वो मैं हूँ, वो मैं हूँ, मैं वो मैं हूँ असली पहाड़ी, मिलावट है ठीक है, ये नकली पहाड़ी और मैं असली पहाड़ी मैं हूँ। दो बार हराया इसको रेस में, मैंने स्ट्रिप स्प्रिंट जो स्प्रिंट में थी वो तो तुमने रिकॉर्ड ही नहीं की। अच्छा कोई नहीं बेटा कोई नहीं। तो गाइस इसको दो बार हराया, आप देखिए अपनी वीडियो में अपनी बढ़ाइयां मार रहा है, ऐसे ही होता भाई जब अपनी वीडियो में होता तो अपनी बढ़ाइयां मारते हैं, क्या होते हैं ये अपनी बढ़ाइयां मार रहा है अपनी वीडियो में। आ गया खट यहाँ पर, ओहो क्या बात है भाई, ओहो नज़ारे भाई नज़ारे मस्त मस्त। ये देखो गाइस कहाँ पहुँच गया अभी, अभी आगे अभी तो वैसे फोग आ गया पूरा, बट लेकिन याद अगर वेदर साफ हो ना पूरा चंडीगढ़ चमकता है नीचे, यहाँ पे लाइटें दिख रही हूँ आपको यहाँ पर। ये देखो गाइस और हवा बहुत तेज चल रही है, आपको हवा की नॉइज़ भी आ रही होगी, ओहो हो क्या बात है जी क्या बात है, अमृतपाल नज़ारे जिंदगी के नज़ारे गाइस। और यहाँ तक मैंने देख रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, शेयर भी कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ वीडियो को, ताकि हमारे थोड़ा और मोटिवेशन मिल सके अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने के लिए आपके लिए, ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आते थे इस चैनल पर। तो गाइस डू लाइक एंड शेयर द चैनल एंड सब्सक्राइब आल्सो। ये पाली साहब हमारे। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं सुसाइड पॉइंट, ओहो सही बात है भाई, ये तो सुसाइड पॉइंट है, वाकई सुसाइड पॉइंट है। यहाँ पे नीचे आपको लाइटें दिख रही थी चमकती हुई, तो बहुत ही ज़्यादा हाइट पे है गाइस इस समय हम, और सनसेट हो गया है, सनसेट अभी नीचे जा चुका, किसी भी रोशनी पड़ रही है इधर को, बाकी वो पृथ्वी के ऊपरली साइड चल चुका है, दूसरी साइड चला गया यानी कि यूएसए की साइड चला गया। क्यों गाइस ये था कुछ आज की वीडियो हमारी, तो गाइस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। आज की वीडियो में आपको कसौली का हमने पूरा मार्केट दिखाई और चर्च दिखाया, सनसेट पॉइंट दिखाया, सनसेट पॉइंट लास्ट में पहुँच चुके हैं, मंकी पॉइंट गए नहीं, मंकी पॉइंट वो उधर ऊपर है आई थिंक, उधर हो जाता नहीं, इधर इधर ऐसे कुछ है नहीं, वो है मंदिर, हाँ वो रहा मंकी पॉइंट, यहाँ से मंकी पॉइंट भी दिख रहा होगा, तो आपको मंदिर चमक रहा ऊपर, वो उधर पहाड़ी के ऊपर मंदिर है एक, तो वो गाइस मंकी पॉइंट है, बट हम वहाँ जाएंगे नहीं, और ये वीडियो हम यहीं क्लोज करेंगे आज की। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। और हाँ जी चलो ठीक है गाइस, वीडियो रखते हैं तक, टिल देन राइड हार्ड राइड सेफ एंड ऑलवेज वेयर अ हेलमेट व्हाइल यू राइडिंग। सो गाइस बाय बाय टेक केयर, खुदा हाफिज, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। ठीक है गाइस बाय बाय, ऐसे मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, अच्छे प्लेस के साथ, बाय बाय टेक केयर।